हेलो गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी टीजीटी में इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर का पूरा सिलेबस। क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है और कौन सी बुक फॉलो करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका एग्जाम होता है उसमें 125 क्वेश्चन आते हैं जिसमें लिटरेचर और ग्रामर दोनों ही पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम लिटरेचर का सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ग्रामर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं लिटरेचर से। लिटरेचर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले नंबर पर आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए, मतलब लिटरेचर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ आपको पढ़नी है वो है लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स। अगर आप एक बार लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स पढ़ लेते हैं तब आपके अंदर जो बेसिक लिटरेरी टर्म्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और आपको लिटरेचर पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद जो आपको तीसरी चीज़ पढ़नी है वो है फिगर ऑफ स्पीच। उसके बाद हम आते हैं अपने ऑथर्स पे। हमारे इंग्लिश लिटरेचर में टीजीटी के सिलेबस में चार ऑथर लगे हुए हैं। सबसे पहला है विलियम शेक्सपियर, दूसरे नंबर पर विलियम वर्ड्सवर्थ, तीसरे नंबर पर जॉन मिल्टन और चौथे नंबर पर जॉन गैल्सवर्दी। यही चार ऑथर जो हैं वो आपके टीजीटी के सिलेबस में लगे हुए हैं, लेकिन इन चारों को आपको बहुत अच्छे से बहुत ही डिटेल में पढ़ना है क्योंकि टीजीटी में सिर्फ चार ही ऑथर हैं, तो इनसे काफ़ी माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स भी पूछी जाती हैं। अब लिटरेचर आपको कैसे पढ़नी है, इन चारों ऑथर्स को कैसे पढ़ना है। चारों ऑथर में जो सबसे बड़ा ऑथर है वो है विलियम शेक्सपियर, तो आपको विलियम शेक्सपियर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको बताया विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा है। तो उनके जितने भी वर्क्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स, प्लेज तो लगभग आपको सारे ही पढ़ने हैं। सोनेट्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सोनेट दूर दूर के उनकी जो अच्छी अच्छी लाइनें हैं वो पढ़नी है, और जो प्लेज हैं वो आपको प्रॉपर स्टडी करनी है, उनकी समरी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट कोटेशंस पढ़नी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। इसके बाद मूव करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ पे। और हाँ, एक चीज़ और, शेक्सपियर की जो बायोग्राफी है वो भी आपको अच्छे से पढ़नी है। बायोग्राफी आपको हर ऑथर की अच्छे से पढ़नी है। विलियम वर्ड्सवर्थ के केस में भी आपको यही करना है, उनकी जो पोम्स हैं और उन्होंने जो एक दो माइनर मेजर प्ले लिखे हैं, ट्रेजेडी लिखी हैं, वो भी आपको अच्छे से करनी है। उनकी पोम्स को आपको अच्छे से स्टडी करना है, उसकी इंपॉर्टेंट लाइन समरी आपको पता होनी चाहिए, कौन सा करेक्टर किस पोम में है और किस डेट पे वो पब्लिश हुई है। सेम आपको जॉन मिल्टन और जॉन गैल्सवर्दी के केस में करना है। अब हम बात करते हैं कौन सी किताब पढ़ी जाए। तो इस समय जो बुक्स हैं वो प्रचलन में है, एक एस के अरोरा है और दूसरी है रंजीत सिंह। मैं आपको दोनों बुक में से सिर्फ एक ही बुक सजेस्ट करूँगा। रंजीत सिंह की जो लेटेस्ट एडिशन जो इस बार आया है वो बहुत ही अच्छा है, तो आप उस बुक को ले लीजिए। और जिन लोगों के पास रंजीत सिंह का ऑलरेडी एडिशन है तो मैं उन्हें भी यही सजेस्ट करूंगा कि पुराना एडिशन छोड़कर आप नया एडिशन ले लीजिए, वो बहुत ही अच्छा है। आप एक बार उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा एडिशन है वो। और अगर आप उस एडिशन को पूरा कर लेते हैं तो शायद ही एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आपका रह जाए, बहुत ही अच्छा एडिशन है। तो एक बार आपने अगर रंजीत सिंह पढ़ ली, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है जो प्रीवियस ईयर्स हैं वो लगाने। कोई भी आप एक प्रीवियस ईयर का सेट ले लेना, चाहे तो घटना चक्र ले लेना या यूथ की कोई बुक ले लेना, या फिर प्रीवियस ईयर आपको गूगल करेंगे तब भी मिल जाएंगे, वो सारे आपको लगाने हैं। इतना काम आपको लिटरेचर में करना है। अब हम बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर का क्या क्या सिलेबस है, ग्रामर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो उसमें आता है अनसीन पैसेज। अनसीन दो या तीन पैसेज आते हैं, उसमें से आपको क्वेश्चन दूर दूर के लगाने होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर से आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर होती है वो आती है, जिसमें इंक्लूड होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़नी है जनरल ग्रामर के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्पेलिंग्स भी आती हैं, स्पेलिंग करेक्शन एक बड़े नंबर में पूछा जाता है आपसे, सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं, पंचुएशन पूछा जाता है, सेंटेंस कंप्लीशन पूछा जाता है, नंबर ब्लैंक्स पूछा जाता है, और इसके अलावा भी और मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑन ग्रामर आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपको ग्रामर के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है, ग्रामर के लिए मैं आपको बस एक ही किताब बताऊँगा वो आपको पढ़नी है, और वो है, उसका नाम है एसपी बक्सी। एसपी बक्सी में जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिए हैं वो आप पूरे याद कर लो, इडियम्स फ्रेजेस याद कर लो, साथ में जो उसमें जनरल ग्रामर दी है वो भी आप पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। इसके साथ अगर आप कोई एक्स्ट्रा किताब पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वैनन मार्टिन। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं, अगर आप कोई भी किताब नहीं पढ़ना चाहते, मेरे चैनल पे मैंने 10 से 12 मिनट की ग्रामर की वीडियोज बना के डाल रखी है, एक पूरी सीरीज है और स्पेशली यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए ही बनाई है, 25 से 30 वीडियो ग्रामर की, 10 से 12 मिनट की। अगर आप उनको देखोगे तो आपके ग्रामर के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही मज़ा आएगा आपको उन वीडियोज को देखने में, बहुत ही ईजियर वे में मैंने समझाया है। तो अगर आप चाहें तो एक बार चैनल विजिट करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू करना वरना बुक पे स्विच कर जाना। तो ये था यूपी टीजीटी का कंप्लीट सिलेबस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।